जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, इसी सवाल के आसपास के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में, और मेरे Instagram पर भी इसी प्रकार के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, और आपके जो सवाल होते हैं कि क्या RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ले जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी भी वजह से RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ले जाना भूल जाएं तो क्या होगा, और अगर मेरे पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं है और मैं इस राज्य से इस राज्य तक जा रहा हूं तो क्या मैं जा सकता हूं, इसी टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं। आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोज़ को देख रहे होंगे, वहाँ पर मैंने आपको जिन जिन राज्यों में RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी है उन राज्यों के बारे में बताया था। एक बार फिर से मैं उन सभी राज्यों के नाम आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, केरला और आसाम। इसी प्रकार हर एक राज्य की अलग अलग गाइडलाइन है। अगर आप इन राज्यों में जा रहे हैं तो आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होती है, इसी को ही कोरोना रिपोर्ट कहा जाता है। कुछ लोगों ने यह भी कमेंट करके बोला था कि RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है। अब मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि मैं गोवा से महाराष्ट्र जा रहा हूँ तो क्या मुझे RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर जानी होगी। तो जो रूल था उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको बता दिया था कि हाँ, आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर जानी होगी। उन्होंने अभी हाल ही में कल यात्रा करने के बाद उन्होंने बताया कि वो दादर स्टेशन पर उतरे, वहाँ पर जिनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट थी उनको आराम से जाने दिया जा रहा था, और जिनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी उन लोगों की रैपिड टेस्टिंग हो रही थी। इसका मतलब यह है कि जिन जिनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उन लोगों का रैपिड टेस्टिंग होगा। इसी प्रकार हर राज्य में जहाँ जहाँ पर थर्मल स्कैनिंग पॉसिबल है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पर रैपिड टेस्टिंग पॉसिबल है वहाँ पर रैपिड टेस्टिंग हो रही है। अगर आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होगी तो आपको रोका नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए आसान है, वरना फिर आपको लाइन में लगकर अपना रैपिड टेस्ट कराना होगा स्टेशन पर। दोस्तों, अभी कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं जिन लोगों की जून जुलाई में ट्रेन जर्नी है और वो अभी से ही कोरोना गाइडलाइन पूछ रहे हैं। जून जुलाई में क्या सिचुएशन होगी, कौन सा राज्य किस टाइप की गाइडलाइन लेके आएगा, वो तो उन्हीं महीनों में पता लगेगा। अभी से मैं कैसे बता सकता हूँ कि उस समय क्या गाइडलाइन होगी। फिलहाल हर राज्य की जो जो गाइडलाइन आ रही हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों में से सबके बहुत सारे सवाल होते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया हो या कोई ऐसा सवाल हो जिस पर मेरा ध्यान ना गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।